कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। और ध्यान का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। अगर आप मुझे एक आदमी मिलाओ साहब, मेरे मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, बस बहुत छोटी सी बात बता गया और 10 रुपए में बता गया। जैसे आपने किसी को कोई चीज दी तो उसने कहा बेटा आप हमें दे रहे हो तो हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं, तो उसने मुझसे पूछा कि ये बताओ खुश हो? अरे मैंने कहा ये सब बातें मत करो, दुनिया में कोई खुश नहीं, फालतू वाली बातें आप मत करो। तो बोले कि नहीं नहीं बेटा तुम ज्यादा दुखी हो, तुमने आपको कैसे पता? कहा जो करना चाहते हो कर नहीं पा रहे। मैंने ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे। ना बोले तुम्हारा कुछ अलग मामला है। तो बोले मैं एक तरीका बता देता हूँ, उसको अप्लाई कर लो, वो मैं आज तुम लोगों को बता रहा हूँ। तुम्हें अगर पता करना है कि तुम सफल होगे कि नहीं, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ट्राई करके देखो, कभी ऐसा नहीं फेल कर जाओ। तुम्हें बड़ी छोटी सी बात देखो, तुम 20 घंटे आंख खोलकर बैठ सकते हो, कुछ लोग 25 भी बैठ जाएंगे, कुछ 30 में फिर बेहोश होने लगेंगे, नींद आने लगेगी। लेकिन अगर तुम 1 घंटा आंख बंद करके नहीं बैठ सकते तो तुम ये जान लो कि तुम्हारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत खराब हालत में है। मेरी बात समझ आ रही? आज घर जाके ट्राई करना, 5 मिनट का लाभ लगाना। 5 हम लोग क्या करते हैं, कोई बात सीखते हैं ना तो पहले दिन 5 घंटे का लगा दिए, हम तो आज 5 घंटे बैठे, ये समझ करना कोई फायदा होता नहीं है। शुरुआत धीमी करो, जैसे तैयारी करना शुरू कियो 1 पेज आज ही जाके ट्राई करना। और जिस दिन तुम 1 घंटे आंख बंद करके बैठने लगोगे उसका कोई भी चीज तुम्हारे लिए बड़ी नहीं रहेगी, ट्राई करके देख लो। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे, जिनको नशा है। नशा जो है क्या करता है, वो कोई तुम्हें दूसरी चीज सोचने नहीं देता। जैसे मान लो तुम्हें आईएएस बनने का नशा है तो तुम्हें वो सोचने नहीं देगा ये सब बातें, पापा बीमार है फलाना, मतलब नहीं होंगे मैं क्या करूं। इसीलिए बहुत सारे लोग वहां भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि जिनको भी नशा होता है ना किसी चीज का कि मुझे काम करना है तो वो दूसरा थॉट, जैसे मोदी जी थे, है मतलब कुछ भी करें वो प्रधानमंत्री के रूप में फेल करते हैं, कोई बात नहीं मैं उस पर नहीं चर्चा करूंगा। बाप ने कभी अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ा है या कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ा है तो मैं चर्चा करूंगा, ये राजनीतिक क्लास नहीं है। लेकिन जो व्यक्तित्व है उस आदमी का ना, कितने नीचे से भारत का प्रधानमंत्री बनना, वो भी कहा राजनीति में वंशवाद है, हमारा राजनीतिक तौर पर उनसे मतभेद हो सकता है भी मेरा इसको डिलीट करके कोई चार्ज लगा दिया उनके खिलाफ जो बोलेगा वो जाएगा, वो तो मतलब ताशा आदमी है ना, ठीक भी है। ये देश जो है ना वो शरीफों से नहीं चल सकता, इस देश की दिक्कत ही है, यहाँ का 70% आदमी बदतमीज है, इसलिए तो दुर्गा जी हथियार लेके चलती हैं। और वजह क्या है, तुम देखो इस देश ऐसा है जहां भगवान भी हथियार लेके चलता है, उसकी प्रॉब्लम दिक्कत है ना, बदतमीजी कर देंगे लोग फिर मारना पड़ेगा। हाँ तो एक कंट्री ऐसी है जहां के भगवान के पास तुम वेपन देखोगे, 70 है ऐसे, फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पूरा कचरा उठा के सड़क पे ही फेंक दिया और पीछे लिखा है कि भारत महान है। तुम फॉर्च्यूनर में अगर बैठे हो तो कम से कम शब्द घर के तो अच्छे घर के हो ना, और जब तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम उस अपने से छोटे आदमी से कैसे आशा करोगे। अच्छा पहला मैसेज मेरा तुम्हारे लिए है कि आप ध्यान शुरू करो। सब लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिलीजन क्या है, आप किस जात के हैं, जात यहां इस देश में जिंदा रहेगी उससे आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारी राजनीति का हिस्सा है।